सब पढ़ लिया मैंने, बॉडी फ्लूइड्स हमने खत्म कर लिए। ठीक है देखो सर्कुलेशन बच्चों, अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? हाँ, कि सर्कुलेशन क्या है? ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में ना एक पाइपलाइन बिछी है। जब पाइपलाइन घर में लगी होती है ना, किचन में जाते हो तो वहां टैप ऑन करके पानी आ जाता है, वॉशरूम में जाते हैं वहां आ जाता है, बाथरूम में जाते हैं वहां आ जाता है, हर जगह पानी आ सकता है बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही कुछ पाइपलाइन का सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या रहता है, सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? तो द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन। थ्रू सर्कुलेशन व्हाट वी डू, वी एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? ओके, सो दैट इज वेरी इजी। वॉट इज सर्कुलेशन? वी कॉल्ड इज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इनसाइड द बॉडी इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना, हर जगह सर्कुलेशन की डेफिनेशन नहीं होगी। बायोलॉजी में क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। देखो अब सर्कुलेटरी जो पाथवे हैं, जो रास्ते हैं, ये दो तरीके के, ध्यान से सुनना, या मैं कहूं तरीका जो है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये कितने तरीके का है? दो तरीके का, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये आपका दो तरीके का है। अच्छा एक बात मानो, ये थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये इसके वेरियस ऑर्गन है। इधर इसका हार्ट है, इधर इसका विसरल ऑर्गन है, इधर इसका नर्वस सिस्टम है, यानी कि तीन चैम्बर्स बने हुए हैं, तीन कैविटीज बनी हुई है। ठीक है, अब ये हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड ले रहा है, इसको दे रहा है, यहां से ब्लड इसमें जा रहा है, वापस कहाँ जा रहा है? हार्ट में। ये थोड़ा पॉइंट समझ में आया मेरा? तो अभी यहां जो जा रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड इनटू एन ओपन कैविटी। किसमें पंप कर रहा है बच्चों? ओपन कैविटी में, या फिर कहना चाहिए ओपन स्पेसिस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुत सारे होंगे तो साइनसिस, एक होगा तो साइनस, इतना ठीक है। अभी होता क्या है कि नॉर्मली जो हार्ट है उससे आर्टरी निकलती है, आर्टरी आर्टरियोल में कन्वर्ट होती है, आर्टरियोल फिर माइनर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। मगर मान लीजिए अगर दो चार लार्ज आर्टरीज हैं और उनसे क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है और सारे के सारे ऑर्गन इसमें नहा ले रहे हैं, तो ये सिस्टम आपका ओपन सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि सीधे कहां जा रहा है, इनटू एन ओपन कैविटी। क्लियर? ओके बेटा, तो सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज फर्स्ट इज ओपन टाइप, या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पंप बाय द हार्ट। थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस या कैविटीज। क्लियर? तो जिसको मैं क्लियर लिख दे रहा हूं, इनटू साइनसिस। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो एग्जाम्पल है इसका, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। इसमें आएगा एक्सेप्ट सेफलोपोडा
सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में कैसा पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया, लिख लिया सबने? एक मिनट। डन। हो गया। यस सर। ठीक है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा हो गया? ओपन। ओपन। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है ना। अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड जो होगा पंप करा जाएगा आरटरी और वेन से। हाँ, आपके हार्ट से। इसमें क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलेंगी है ना इस तरीके से, जो आर्टरीज और वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। और पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और हर ऑर्गन हर टिश्यू को ये ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ब्लड वेसल। आई टॉट यू अबाउट द ब्लड वेसल्स और नॉट? नो सर। अभी बता दिया मैंने आर्टरीज वेन कैपिलरीज तीनों को समझा दिए? नो सर, ये नहीं समझा। हाँ, ये नहीं समझा है ना। चलिए, तो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इतनी बात समझ में आई? बेसिकली दिस इज क्लोज। ओपन तो होता नहीं है नेटवर्क ये। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे मेरे बच्चा? एग्जाम्पल है आपका एनेलिडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिफेलोकॉर्डेट। एक्सेप्ट सिफेलोकॉर्डेट। हाँ, सिफेलोकॉर्डेट। नो, यूरोकॉर्डेटा। इट्स नॉट सिफेलोकॉर्डेटा। एक्सेप्ट यूरो कॉर्डेटा, जिसमें कैसा पाया जाता है बच्चों? ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे समझाएं आपको। लिख लिया सबने? यस सर। हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो हाँ, अभी कहाँ से पढ़ लेंगे? पहले तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ लें। हाँ, जब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ना दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे दोनों, मगर पहले हम ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, देखो एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मगर जो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि किसी चीज के, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो और फिर हम उसमें चल भी रहे हैं कि भाई ब्लड पढ़ा, आरबीसी पढ़े, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलो yes. आगे समझाऊं? yes, देखो बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। अभी मत कहना कि सर ओपन क्लोज दोनों, नहीं। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम बच्चों? और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड घूमेगा और लिम्फेटिक में लिम्फ घूमेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। बस थोड़ी। अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे पूरे वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट जानते हो? यस सर। क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये पॉइंट कहा ना, किसी ने बोला ये?
आरती बेटा वेरी गुड। देखो नोटोकॉर्ड होती है बट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। अच्छा चलिए वेरी गुड। ठीक है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या बात करनी है हमें, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट इन वर्टिब्रेट। देखो भैया वर्टिब्रेट वो होंगे जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होगी बिकॉज नोटोकॉर्ड आपकी रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिबल कॉलम के। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बाकी जो इससे पहले है कॉर्डेटा में ध्यान से सुनना आरती, आप ही को समझा रहा हूं मैं क्योंकि बाकी जो पहले बोला था वो सही बोला था। अभी बात समझ में आई मेरी? वर्टिब्रेट वो होगा जिसके अंदर क्या होगी, वर्टिबल कॉलम है ना। नोटोकॉर्ड तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है बट इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। क्लियर है बात? ठीक है भाई चलिए। अब पहला जो वर्टिब्रेट में लिखने वाला हूं उसका नाम है बेटा मछली। क्या है? मछली। मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फिश। और इसका क्लास को क्या बोलते हैं हम? पीसेस। पाइसेस। नहीं पीसेस में तो काट के खाते हैं बाद में वो अलग बात है, मगर क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पाइसेस बोलते हैं ना। दूसरा कौन है भाई? एम्फीबियंस। तीसरा कौन सा? रेप्टाइल। रेप्टिलिया। ठीक है अब हम एवीज और मैमल्स को एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है यस सर। तो हमारे पास पांचों के पांचों क्लास आ गए इसके। ठीक अब जो मछली होती है इनमें बेटा पाया जाता है कितने चैम्बर का हार्ट? टू। दो चैम्बर होते हैं है ना, दो चैम्बर होते हैं, वन ऑरिकल और एक बच्चो वन वेंट्रिकल। ठीक है अब जरा सुनो एम्फीबियंस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है बेटा? थ्री चैम्बर का। टू ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। रेप्टिलिया में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? थ्री चैम्बर एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ठीक है अब क्रोको इसमें भी क्या होगा टू ऑरिकल प्लस तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ एवीज और उसके साथ क्या लिख दूं क्रोकोडाइल। तो इन तीनों में कितने चैम्बर का हार्ट है? फोर चैम्बर। फोर चैम्बर यानी कि टू ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। अब जरा बच्चों ध्यान से एक बात सुनो अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सर्किट की कितनी बार सर्कुलेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मछली बनाते हैं थोड़ी सी एक, ये हमने बनाई एक मछली ठीक है ये कौन सी है कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्टिक्टिस कैसे पहचानेंगे? एक मैंने हिंट है इसमें कोई बता सकता है कौन सी मछली है? कौन कौन बच्चे हैं मेरे पास? बच्चे बहुत कम आए आज। जिज्ञासा मुस्कान तनिषा दीक्षा मन्नत आकाश आरती आदित्य आकांक्षा सबसे पूछ रहा हूं मैं बाकी के नीचे के नाम मुझे दिख नहीं रहे जल्दी जल्दी। माउथ से कोई फर्क पड़ता है मछली के? एक टर्मिनल माउथ होता है एक वेंट्रल माउथ होता है sir. है ना आपको मालूम होना चाहिए भाई जो कॉन्ट्रेक्टिस शार्क देखी शार्क yes. ना शार्क का माउथ कहाँ होगा उसके नीचे साइड में होगा ऐसे ठीक है है ना sir. और जो जो हमारे एक्वेरियम में होती है मछली मुंह कहाँ होता है आगे होता है ऐसे करती थी देखिए है ना तो वो मछली होती है ऑस्टिक्टिस जिनके मुंह आगे को होते हैं जैसे अपना मुंह है ना ऐसे है ना मगर हमारी बॉडी ऐसे है उनकी बॉडी ऐसे होगी तो माउथ कहाँ होगा इस तरफ तो टर्मिनल माउथ जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा ऑस्टिक्टिस में क्योंकि एंडोस्केल्टन किसका बना होगा हड्डी का बोन्स का और कार्टिलेजिनस फिश में कैसा होता है वेंट्रल माउथ नीचे की तरफ होगा ठीक है yes. अब देखो बच्चों होगा क्या इन मछली के पास एक दिल है और उसमें चैम्बर कितने हैं दो ठीक है तुम्हें आसान करने के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो हार्ट से ब्लड कितनी बार आ रहा है और कितनी बार जा रहा है तो ध्यान से सुनना ये इसकी बॉडी है और मछली के पास क्या होंगे
गिल्स होंगे, थोड़ा पीछे बनाए, हालांकि मुझे आगे बनाने चाहिए थे, इस तरफ मैं बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि गिल से प्योर ब्लड गया किसके पास, बॉडी में, किसमें, ध्यान से सुनना, किसमें गया, बॉडी में गया, यानी कि बॉडी के पास क्या आया, गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से आ रहा है, गिल से आ रहा है, ठीक है, यस ठीक है। अब इस बॉडी से ये चला जाएगा राइट या आर्ट्रियम में, एक ही तो आर्ट्रियम है, कहां चला जाएगा बेटा, आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से कहां जाएगा, गिल्स में, गिल्स में जाके क्या हो जाएगा फिर से, ये आप सर्किल देखो कितनी बार घुमा, डबल सर्कुलेशन, ओनली वन टाइम, सर्किल तो एक ही है, यस सर। भाई अगर बॉडी से दो बार ब्लड आया होता या दो जगह गया होता हार्ट में, तब तो डबल हो जाता, ठीक है, आप समझिएगा, बॉडी से एक ही बार आपका हार्ट में गया ब्लड, ठीक है, तो वो हो गया सिंगल सर्कुलेशन। ये आपको इसको और समझा दूंगा, परेशान नहीं होना बच्चों, आगे समझोगे तो हो सकता है और क्लियर हो जाए। ये कैसा सर्कुलेशन हुआ इसमें मछलियों में, सिंगल सर्कुलेशन। अब जरा एक काम करते हैं, थ्री चैम्बर हार्ट बनाते हैं, ये आपका हो गया थ्री चैम्बर हार्ट, ये हमारा हो गया बच्चों आरे, ये हो गया हमारा एले, और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल, ठीक है। रिमेम्बर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे कि बच्चा के जो आपका ऑरिकल्स है, ये क्या है, ए आई आर रिसीविंग, ऑरिकल इज रिसीविंग, और वी आई पी वेंट्रिकल इज पंपिंग, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, ऑरिकल इज रिसीविंग, यानी कि ब्लड को रिसीव कौन करेगा, ऑरिकल, ब्लड को पंप कौन करेगा बच्चा, वेंट्रिकल। अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी क्या होगा कि जो एम्फीबियंस है, ठीक है, अब इनके पास तो स्किन से भी करते हैं रेस्पिरेशन, और लंग्स से भी करते हैं ये, है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इनके पास लंग्स है, ये क्या है बच्चों, ये लंग्स है, ठीक है। अभी क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो लंग्स है क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे देंगे, लेफ्ट ऑरिकल, हमेशा कहाँ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में, ठीक है। अभी क्या होगा, साथ साथ ध्यान से सुनना, ये इसकी बॉडी है, नीचे क्या होगी, ये पूरी जिस्म क्या होगा, बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी से बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये देखो, हार्ट ने कितनी बार रिसीव करा ब्लड, दो बार, ठीक है, मगर दो जगह से उसने पंप नहीं करा, ठीक है, इसीलिए डबल तो है पर कैसा है, इनकम्प्लीट, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब जरा एक और पॉइंट सुनो मेरा बच्चा, ठीक है, ये वाला जो मछली का दिल था, इसके मछली के पास क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यस सर, हार्ट के पास नो सर, नहीं ना, क्योंकि मछली को लिंक गिल्स ने क्या दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, पर बॉडी ने मछली के हार्ट को कैसा दिया, डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा दिल या ऐसा हार्ट जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसा हार्ट जिसमें आपके सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुमा हो और वो लंग्स के पास या गिल्स के पास चला गया हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वेनस हार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत किसमें, ठीक है। अभी यहाँ देखो, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ब्लड कहाँ जाके मिक्स हो गए, वेंट्रिकल में, क्लियर है, yes, yes.
ठीक. सो इन केस ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल द मिक्स ब्लड इज पंप्ड. कैसा ब्लड पंप होता है बेटा? मिक्स ब्लड. क्लियर होगी बात? यस सर. और हाउएवर सम अमाउंट ऑफ ब्लड goes for the oxygenation and some of the amount goes to the body. ठीक है, चलिए ये समझ में आया. Similar thing will occur in reptile because reptile also have how many chambers of heart? Three chamber. इतना लिख लो फिर मैं four chamber की कहानी बताता हूँ. लिख लिया सबने? लिख लिया? Yes sir. चलें आगे देखें. अब हम कितने चैम्बर की कहानी सुनेंगे? फोर चैम्बर की है ना. तो एक काम करते हैं, बीच में बना ले रहे हैं, यहाँ बना ले रहे हैं हम लोग दिल. ये बन गया है ना. अब फोर चैम्बर बनाते हैं. ये हो गया आपका आरए, ये हो गया एलए, ये हो गया आरवी, ये हो गया एलवी. ठीक है, नीचे हम लोग समझ ले रहे हैं कि क्या है बच्चों. ऊपर हम लोग मान ले रहे हैं क्या है बच्चों. अब जरा ध्यान से सुनना. होगा क्या कि लंग से आपका ब्लड आएगा किसमें? राइट आर्टरियम और लेफ्ट में. ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम. ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में. ठीक है, अब लेफ्ट आर्टरियम से किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? बॉडी पार्ट. बॉडी में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, अभी बॉडी क्या करेगी, इसको यूज कर लेगी. इस ब्लड को बॉडी ने क्या करा, यूज कर लिया और कैसा बना दिया बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, इतनी बात सही में आई? ठीक है भाई. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा. राइट आर्ट्रियम से राइट और चला जाएगा किसके पास? लंग्स. लंग्स के पास. कि भाई आप एक काम करें, इसको क्या कर दो वापस से? ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड कर दो. अब मुझे बताओ हार्ट में ब्लड एंटर कितनी बार हुआ? दो. अब कितनी बार हुआ? दो बार. तो ये क्या हुआ बेटा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. हम कंप्लीट लिखते नहीं है, नॉर्मली क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर? डबल सर्कुलेशन. समझ में आया बच्चों? यस सर. डबल सर्कुलेशन, हम इसको डबल सर्कुलेशन लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा सर. ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया था, फिर हार्ट में क्यों आ गया, बॉडी क्यों नहीं गया डायरेक्ट? ओके, क्योंकि लंग से ना इतना प्रेशर नहीं होता कि पूरे बॉडी में चला जाए. इशिता समझी बेटा? यस सर. भाई एक बात मान लीजिए, हमारे घर में आपके घर मोटर लगा है? जब पंप आता है तो पानी आता है तो मोटर ऑन करते हो? यस सर. इशिता ठीक है, एक नॉर्मली आता है कि भाई पानी आ गया, पता लग गया था, है ना. इस पानी से पूरे ऊपर तक की टंकी क्यों नहीं भरती, जो आपके घर पे बड़ी बड़ी लगी होंगी ना, 500 ml, 1000 लीटर की ना, वो क्योंकि प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है. तो भाई लंग्स जो है वो उतना बेसिकली प्रेशर है नहीं लंग्स से जो ब्लड आ रहा है. और मेनली प्रेशर बनाने का काम किसका है? हार्ट का है. बात समझ में आई? हार्ट जब पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब पच से दबेगा, तब क्या होगा, ब्लड बिल्कुल इस तरीके से भागता है. ठीक है? यस सर. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ आएगा? हार्ट में, क्योंकि काम किसका है बॉडी को ब्लड देने का? हार्ट का. इतनी बात समझ में आई? यस सर. कोई डिफरेंस नहीं है, ऑरिकल भी बोल देते हैं, आर्टरिया भी बोलते हैं. ठीक है आकाश? यस सर. कुछ भी बोलो. चलो समझ में आया? Yes, चलो अब मुझे बताओ लंग्स का दूसरा नाम क्या है? पल्मोनरी. बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम है ना. तो हम लोग क्या कहते हैं कि ह्यूमन में या फिर मैमल्स और क्रोकोडाइल में दो सर्किट पाए जाते हैं डबल सर्कुलेशन के. कितने सर्किट पाए जाते हैं बच्चे? दो. एक वो हार्ट और लंग्स के बीच में और एक हार्ट और
बॉडी बॉडी के बीच में जो हार्ट और लंग्स के बीच में पाया जाता है वो कहलाता है आपका पल्मोनरी सर्किट। और जो हार्ट और बॉडी के बीच में पाया जाता है वो कहलाता है आपका सिस्टमैटिक सर्किट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक सर्किट। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब मुझे बताओ कौन सा सर्किट छोटा होगा कौन सा सर्किट बड़ा होगा। पल्मोनरी सर्किट छोटा होगा, सिस्टमैटिक सर्किट बड़ा होगा, क्योंकि भैया क्योंकि लंग्स तो एक ही ऑर्गन है ना, बाकी तो हमारे कितने बहुत सारे ऑर्गन को हमें ब्लड पहुंचाना है, तो सिस्टमिक सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पल्मोनरी सर्किट। हाँ, लार्जर ग्रेटर जो भी बोल लो, एंड इट्स वन इज स्मॉलर। अच्छा, अभी हम कहानी आगे की सुनते हैं, सुनो, यही एक और चीज समझा दे रहा हूं बेटा। दो सर्कुलेशन मिल रहे हैं, दो सर्किट मिल रहे हैं, एक हमें पल्मोनरी मिल रहा है, दूसरा सिस्टमिक मिल रहा है। अब ये है कि भाई जो पल्मोनरी सर्किट है वो शुरू कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लेफ्ट। देखो बच्चों, आपका जो पल्मोनरी सर्किट जो होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है? यस सर। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में जाएगा, लंग्स से होता हुआ पल्मोनरी वेंस में आएगा, पल्मोनरी वेंस से आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। ये हो गई आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट। इतना समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा जो है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा कभी भी आप कोई भी सर्किट आर्ट्रियम या ऑरिकल से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पंप कहां से हुआ ब्लड? वेंट्रिकल से। तो सर्किट भी कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? वेंट्रिकल से। क्लियर होगी बातें? यस सर। चले लिख लें सर। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर। नो सर। नो, लिख लो लिख लो लिख लो। सर हो गया? हो गया। चलो देखो बेटा, अब अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? पहली तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो ओरिजिन क्या है उसका, कहां कौन सी लेयर से बना है, ठीक है? ये जो बना है दिस इज मीजोडर्मल, है ना। इसकी ओरिजिनलिटी कहाँ की, कहां से ओरिजिन हुआ? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, हमने एक कार्डियक नॉच बनाई थी yes, sir. है ना, हमने बताया था इस कार्डियक नॉच के पास क्या मिलेगा आपको? हार्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर, दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। और ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो उसका नाम है एरिया का मीडियास्टिनम। क्या नाम बेटा? मीडियास्टिनम, ठीक है। देखो कहते क्या है कि भाई आपका दिल जो होगा वो आपकी फिस्ट के साइज के बराबर होता है, ठीक है। Yes, भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है साइज ऑफ हार्ट भी बढ़ जाता है। वैसे तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 × 3.5 inches, क्या है इसका साइज? 5 × 3.5, और वेट है इसका 300 ग्राम, ठीक है। ये सबको मालूम है, दिल थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में होता है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, लेफ्ट की साइड में होगा। अगली चीज क्या है कि जितने भी विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन समझते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं डबल लेयर वॉल से। तो हार्ट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर बैग नोन एज पेरिकार्डियम। वेरी गुड। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर बैग known as pericardium। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब देखो जब ये दो लेयर आती है ना तो उनके बीच में खाली जगह बन जाती है, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। जैसे प्लूरल वॉल थी ना दो लेयर, तो वो कैविटी क्या कहला रही थी? यस प्लूरल कैविटी। नाउ दिस कैविटी विल बी नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस विल बी नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। बस हो गया, हो गया, वेरी गुड। द कैविटी present between the wall is known as pericardial cavity, contains the pericardial fluid. Cardial fluid, and this fluid always reduces the friction. चलिए लिखिए। हो गया सर? डन। यस चलो चलो आगे समझते हैं। सर प्रीवियस स्लाइड करोगे एक बार? हाँ हाँ ये लो। यस सर। सर हो गया? हो गया। देखो मेरे बच्चा, हार्ट में अगर आप देखेंगे तो कितने चैम्बर पाए जा रहे हैं बच्चों? फोर चैम्बर बनाते हैं हार्ट का। अब थोड़ा सा असली स्ट्रक्चर है ना, अभी तक हम क्या बना, थोड़ा सा अलग बना रहे थे। कितने चैम्बर पाएगा बच्चों? फोर चैम्बर पाएगा। इस तरीके से बनाया, सिर्फ चैम्बर समझा रहा हूँ अभी मैं, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है? दिस वन इज आर्ट्रियम एंड दिस वन इज ऑल्सो आर्ट्रियम। This one is ventricle. This one is also a ventricle. The atria is separated by another atrium, and this inner atrial septum. Very good. This is intra-auricular septum. Inter-auricular septum. Septum. कोई दिक्कत किसी को? No sir. No, sir. Even the ventricles are separated from each other. Interventricular septum. No, so. Interventricular septum. ठीक है बेटा? So. And the atrium are separated by ventricular by auriculo ventricular septum. ठीक है? auriculo ventricular septum, यानी कि ये तीन septum है जो कि चारों को separate करके रखते हैं। दो आर्ट्रिया के बीच जो आया वो कहला है इंटर auricular septum, दो ventricle के बीच में जो दीवार खड़ी हुई उसको हमने क्या कहा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और आर्ट्रियम या ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो दीवार आई उसको हमने क्या कहा? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेरी गुड मन्नत। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा है कि यहाँ पर आपको साफ दिखाया है कि ऑरिकल्स आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल। ये बात तो आपके समझ में आ रही है, दिख गई, ठीक है? ऑरिकल्स क्या है? ऑरिकल्स आर smaller than ventricles. कोई परेशानी मेरे बच्चा किसी को? No, sir. नहीं। अब देखो बच्चे, अब एक बात बताओ, No, sir. रिसीव कौन करते हैं? ऑरिकल। पंप कौन करता है? वेंट्रिकल। तो पंप करेगा वेंट्रिकल। देखो जो
पोर्शन पंप करेगा ना, उस पोर्शन को थिक होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो पंप करते टाइम रप्चर हो जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वेंट्रिकल्स वॉल आर थिकर देन ऑरिकल्स वॉल। ये एक एक इंपॉर्टेंट है, आर थिकर देन ऑरिकल्स, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जब बच्चा पैदा हो रहा होता, बन रहा होता, ड्यूरिंग फीटस है ना, यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, क्या होता है बच्चों? होल, 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 इसको हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं बच्चे? देखो, हमें बच्चे का जो पैदा नहीं हुआ उसका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं समझना, हमें क्या समझना है कि बस एक पॉइंट एडिशनल बता रहा हूँ कि जब पैदा हुआ बच्चा होता है तो उसका राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ जाता होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, देन उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर थ्रू आउट द बॉडी, क्लियर। तो जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, फीटस जब होता है, तो उसमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है हार्ट में, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों? फोरामेन ओवल। इतनी बात समझ में आई? यस एन ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन, मतलब बताओ बिटवीन किसमें? राइट ओरिकल एंड राइट ओरिकल, वेरी गुड, आर ए एंड एल ए इन फीटस, किसमें बच्चे? फीटस में, फीटस, इसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। चलिए भाई, अच्छा एक और पॉइंट बता रहा हूं, यहां पर एट द ओपनिंग ऑफ फोरामेन ओवेल देर इज अ गार्ड, देर इज अ वाल्व, है ना, एक वाल्व होता है दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टिकल टू द राइट आर्टिकल, राइट ऑरिकल ना। इसका काम ये होता है कि भाई ये क्या करे कि भाई एक बार ब्लड आ गया आपका, ठीक है, तो उसके बाद क्या ना हो, वापिस ना आए, ब्लड किसमें? इसमें ना आए, ठीक है। चलो ये आपको है, अब होता क्या है, देयर इज, अभी क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया है ना, अब ये ओपनिंग जो होगी ना, ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों? बंद हो जाएगी, इतनी बात समझ में आई? बंद हो जाएगी। जब मान लीजिए क्या होता है कि हमें डायनासोर के क्या मिलते हैं, हम लोग बताते हैं क्या होते हैं वो, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? सर फॉसिल्स, फॉसिल्स बोलते हैं ना मानवी, वेरी गुड। ये भी जो फोरामेन होता है ना, ये भी क्या कहलाता है? फॉसिल, यानी कि फॉसा। हमें ओवेलिस, कौन बोला ये? मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान, क्या बोलते हैं इसको? फोसा ओवेलिस। जो बंद हो जाता है ओपनिंग, उसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवेलिस, यानी कि फॉसिल है किसका? ओवेल का, क्लियर, ठीक है। ठीक, अभी ये जो गार्ड है, ठीक है, ये वाल्व है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा यूस्टेशियन वाल्व, क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व। इतना समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। इसको बना लो फटाफट फटाफट, आगे समझाता हूँ फिर अगला डायग्राम, ये थोड़ा हो गया। चलो अभी क्या होता है कि देयर आर मोर वाल्व, क्या है, बहुत सारे वाल्व हैं, ठीक। The walls present the between the right atrium and right ventricle. Right ventricle, right atrium. And this. Tricuspid valve. Tricuspid valve. इस वॉल्व को क्या बोलते हैं बच्चे? Tricuspid valve. Tricuspid valve. इसका काम ये होता है भैया, एक बार ब्लड अगर नीचे आ गया तो वापस जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो पीछे नहीं होता, बिल्कुल बैक फ्लो नहीं करना है। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, है ना,
और इसका दूसरा नाम है बच्चे मिट्रल वॉल। क्या नाम बेटा? मिट्रल वॉल। इतना पॉइंट मेरा क्लियर हुआ? यस सर। चलो अभी दो वॉल्स, एक इंपॉर्टेंट वॉल पुराना मुझे आपको। उसके अलावा एक और पढ़ाना है। चलो ये बना लिया आपने, फिर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। बना लिया आपने सबने? सबने? चले अभी हम फिर से बनाएंगे ये एक और। ठीक है, ये हमने अभी क्या है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट जाएगा किसमें बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसमें बच्चों? बॉडी में। राइट, है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में। ठीक है, इतने बात सबको पता है? यस सर। इसको ले जाने वाला होता है एओर्टा। इसका नाम क्या है बच्चों? एओर्टा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सिमिलरली आपका पल्मोनरी वेन आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगा बच्चे पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी है ना, कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। इतने तो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक। अभी क्या होता है कि यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा? वाल्व। ये एक वाल्व यहां पर प्रेजेंट होगा, एक वाल्व यहां पर प्रेजेंट होगा। सेमिल्यूनर वॉल्व। हाँ, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वॉल्व। इस वॉल्व को हम लोग कहेंगे एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सेमी वॉल। सिंपल है, नाम याद रखना भी है ना? यस बिकॉज दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और कई जगह इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए भाई, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो अभी देखो ये हो गया ऐसे। ठीक है बेटा, अभी क्या होगा कि ब्लड जो है आपका यहां से तो कहां चला जाएगा? इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहां से आपका चला जाएगा कहां पर? बॉडी। बॉडी में चला जाएगा। ये बॉडी जा रहा है, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, कहां जाएगा? बॉडी। यहां से कहां जाएगा बच्चों? लंग्स जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है कि यहाँ से बॉडी में जाएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा। पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर। टोटल वॉल्व्स कितने पढ़ लिए हमने? फोर। पांच। पांच। यूस्टेशियन भी तो पढ़ा? यस सर। ये वॉल्व कैसे बोले, है ना? यूस्टेशियन वॉल्व। पांच होते कितने? छह। तो छठा वॉल्व समझना। देखो हार्ट का काम क्या है? बॉडी के सारे ऑर्गन को क्या देना? ब्लड। क्या देना बच्चों? ब्लड देना। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता बेटा? ऑक्सीजन। यही बता रहे हो ना आप लोग? यस ऑक्सीजन। क्या ब्लड ऑक्सीजन की हार्ट को जरूरत है या नहीं है? है है ना? तो हार्ट चाहेगा कि वो खुद को भी ऑक्सीजन दे, खुद को भी ब्लड की सप्लाई करे। यस ना? तो हार्ट क्या करता है, एओर्टा से आपकी वेसल्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं बच्चों? वेसल्स। बोलते हैं कोरोनरी वेसल। क्या बोलते हैं? कोरोनरी।
ये बाद में जाके कुछ आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ आपकी वेन्स में। थोड़ा पॉइंट समझना, छोटा सा चुटकू सा मैं यहाँ पर हार्ट बना रहा हूं, उसको आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये युगलीना सा बनाया है मगर है नहीं, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां पर जो एओर्टा है, ठीक है, ये जो एओर्टा है इससे आपकी निकलेंगी क्या, कोरोनरी वेसल, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट निकलती है कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करेंगे, हार्ट की वॉल को ब्लड पहुंचाने का काम है। क्या पहुंचाने का काम बच्चे, ब्लड, हार्ट की वॉल को ब्लड। बात समझ में आई, इनको मैंने क्या बोला, दीज आर कोरोनरी वेसल, यूजली हमने डिवाइड कर दिया अब इनको और आर्टरीज में। अब हार्ट जब ब्लड लेगा तो उस ब्लड को यूज करने के बाद वापस कौन सा ब्लड देगा, तो उसको वापस लेने के लिए इनके पास कौन सी क्या है, कोरोनरी वेन्स। वेरी गुड, कोरोनरी वेन्स, ध्यान से सुनना, कोरोनरी वेन्स क्या है इनके पास, ऊपर दिल के ऊपर कौन सी वेन्स लगी है, कोरोनरी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आके इकट्ठा होगा, राइट आर्टरियम में, क्लियर है। तो अब ये क्या करे कोरोनरी वेन की, क्या करे बच्चों की, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा लाके किसको दे, राइट ऑरिकल को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए इसको, है ना। अब क्या होता है, ये इकट्ठी होती हैं और आके ओपन होती हैं इनटू द राइट आर्टरियम थ्रू अ साइनस। दिस साइनस इज नोन एज कोरोनरी साइनस। क्या कहलाता है बच्चों ये, कोरोनरी साइनस। भाई एओर्टा से निकली कोरोनरी आर्टरी, वो उसने क्या काम करा, ब्लड दे दिया हार्ट की वॉल को, और जो कोरोनरी वेन्स थी उन्होंने क्या काम करा, इकट्ठे होके ब्लड किस में लाई, कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से राइट ऑरिकल में। अभी क्या ये ब्लड क्या कर सकता है, बैक फ्लो, हाँ या ना, यस सर, ठीक है। इसलिए एक वॉल्व कहाँ लगा दिया हमने, कोरोनरी साइनस पे, इस वॉल्व को हमने कहा थिबेशियन वॉल, क्लियर, यस सर। कोई दिक्कत हो किसी को बच्चों, बताओ, नो सर, नहीं, नो सर, है ना। तो अभी ये क्या कर रहा है बेटा, इट इज प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड, ठीक है, यस सर। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई जो एओर्टा है वो लेके जाएगी बॉडी में, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके जाएगी लंग्स में। अब नीचे से क्या होता है, ब्लड आता है, कि भाई नीचे से ब्लड आ रहा है बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, है ना, यानी कि अगर हार्ट से नीचे का जितना पार्ट है वो नीचे का पार्ट हो गया ना बेटा, हाँ है ना, यस, है ना। तो नीचे लोग, नीचे क्या कहा जाता है, इन्फीरियर, है ना, हाँ बच्चे क्या करी मुस्कान, हाँ इन्फीरियर वेना केवा, मुझे लगा सवाल है कोई, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। अब ये क्या करेगा, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे से कलेक्ट करेगा, ठीक है, नीचे के पार्ट से इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हम ऊपर चले गए, ये वाला पोर्शन कहलाता है बच्चे सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, एंड दिस सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, नेक, हेड, समझ में आया, ये यहाँ से गर्दन से, ये सारा ब्लड कहाँ कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा, और दोनों ही ब्लड में कैसा होगा, मतलब दोनों तरफ से कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड वेना, ऐसा याद रखना, वेन है तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ही कैरी करेगी एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, yes, तो अभी हमारे ये समझ में आया कि हमारे हार्ट में चार चैम्बर हैं और छह वॉल्व हैं। इतना समझ में आ गया, yes, ठीक है। चार में से जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है स्मॉलर है, थिनर है देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर आर सिक्स वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वन इज ट्राइकस्पिड,
between left atrium and left ventricle is a bicuspid wall, and the wall present before the pulmonary artery is known as pulmonary seminal lunar wall. Wall present before the aorta, opening of aorta, is aortic semilunar wall. The wall present before the coronary sinus and right atrium is known as Thibetian wall. And the wall present at the opening of foramen and ovale is known as Eustachian wall. इतनी बात समझ में आई? Yes sir. चलो मेरे बच्चा, अब अगली बात सुनो. देखो बच्चों, आर्टरीज का काम क्या होता है? बोलो, जल्दी बोलो, कोई एक लाइन में बताओ. व्हाट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड? चार नंबर. क्या हो गए बच्चों आपके? कैरियर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नहीं बच्चों, ये आंसर गलत है. म्यूट कर लो, बहुत तेज आवाज आ रही है. आप लोग कह रहे हो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कह रहे हो ना? नहीं सर, डी ऑक्सीजनेटेड. तो और ही गलत है. कोई बात नहीं, मान ली. ब्लड क्लॉट बनवा. देखो, द आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. बात समझ में आई? यस सर. आर्टरी हमेशा ब्लड को दिल से दूर लेके जाएगी. इतना पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. और जो दिल तक ब्लड लेके आएंगी वो क्या हो गई? वेंस. वेंस. ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए चार नंबर में ये ऑप्शन जरूर आता है कि भाई आर्टरी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगी वो है आपकी आर्टरी, और जो पास लेके आएंगी वो है आपकी वेन. अब एक बात सुनो, लंग्स से जो आर्टरी आएगी, या सॉरी जो वेन आएगी वो कैसा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड. देखो, वेन्स का काम होता है ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. और ये किधर आता है? इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम. तो हम यहां पर दिखाएंगे आपकी दो पल्मोनरी वेन्स. वेन्स क्या दिखाएंगे यहां पर? क्या है हमारे पास? दो पल्मोनरी वेन्स है. क्लियर होगी बात? ठीक है. सिमिलरली क्या होगा, इधर भी क्या होंगी? दो पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स है ना, बट दिस वन विल बी नोन एज लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है ना, एंड दीज वन नोन एज राइट पल्मोनरी वेन्स. Right pulmonary veins. Okay, the pulmonary veins always carry the oxygenated blood. So it will give it to the left auricle. Clear? Yes, sir. Yes, sir. देखो, इनको दिखाया भले यहां हो, opening कहां पर होगी? Left auricle में. और कहीं नहीं हो सकती. Clear है? Yes, sir. And this is pulmonary artery, and this will be known as left pulmonary artery, na? Yes, sir. So if there is something left, there must be something right. Right. Na? So now we will draw the right pulmonary artery. Okay. The right pulmonary artery. Okay. And this will carry the deoxygenated blood. हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? बस थोड़ा और रह गया, थोड़ा सा दिक्कत है कुछ नहीं है? नहीं. देखो मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा, इतना सा और रह गया जो कि बस हार्ट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है. देखो होता क्या है, आपके जो वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल है ना, यहाँ पर कुछ रिजेस पाए जाते हैं इस तरीके से, ये जो बना रहा हूं ना. यस सर. ये रिजेस है, रिजेस समझते हो? Yes, sir. है ना, रिजिस पाए जाते हैं. इन रिजिस को हम लोग कहते हैं, है बेटा, इन रिजिस को हम लोग कहते हैं, नहीं नहीं कॉलमने कारने, ये पहली बार सुना होगा आपने वर्ड. Yes, sir. है ना, कॉलमने कारने, भूल भी जाओगे तो कुछ गम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो पाया जाता है उसको याद करना जरूरी है. ठीक है? Yes, sir.
जो वेंट्रिकल की वॉल है, इनर वॉल है, उस पे कुछ रिजेस पाए जा रहे हैं मसल के, जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलमने कॉर्ने। इतने पॉइंट समझ में आया? अब इस कॉलमने कॉर्ने पे पाए जाते हैं इम्पोर्टेंट मसल्स, दूसरी ये भाई ना, आरती ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इनको हम लोग बोलते हैं बच्चा पेपिलरी मसल, है ना, पेपिलरी में दोनों तरफ होंगे, हम एक तरफ बना के समझेंगे, ठीक है? ठीक है, अब जरा देखो, इस पेपिलरी मसल से यहां पर इस एंड पे अटैच रहते हैं सम इंपॉर्टेंट फाइबर। कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बेटा। टेंडन्स लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है कॉर्डी टेंडन, क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डी टेंडन। देखो इस तरीके से यहां पर ये अटैच हो गए, इधर से ये इस पे पेपिलरी मसल से, ऊपर किससे अटैच होंगे, ये किससे अटैच है, है ना, वॉल से। सिमिलरली यहां पर किससे अटैच होंगे, ये है ना। दिस टेंडन लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज कॉर्डे टेंडन। चलो इतना समझ में आया? यस सर। देखो बच्चों, जब हार्ट में राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड भर जाता है, क्या होता है, ब्लड भर रहा होता है, तो होता क्या है कि ये वाल्व खुलते हैं, है ना, और ये वाल्व आपके ओपन हो जाएंगे। समझ लो माथा मेरा राइट आर्ट्रियम है, ठीक है, और नीचे का पोर्शन क्या है, वेंट्रिकल है। तो ये मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व खुला है ना, ओपनिंग हो गई, तो क्या होगा, सारा ब्लड नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बंद होते हैं, बंद होते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल। इतना प्रेशर होता है कि चांसेस क्या है कि कहां चले जाए, किसके अंदर, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम में, है ना, वापस से कहां घुस जाए, अंदर आर्ट्रियम में। मगर इनको क्या रहना है, बंद रहना है या फिर नीचे खुलेंगे। तो आर्ट्रियम से बचाने के लिए क्या लगा हुआ है, कॉर्डेड टेंडन है, जो खींच के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, इस तरीके से समझो, ये हो गया, ये पकड़ा, बंद हो गए, रुक गए, ठीक है, खोला, ये खुल गए, छोड़ दिया, बंद हो गए, खींचा, खुल गए, बात समझ में आई। दे प्रिवेंट द एंट्री, ठीक है, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वॉल्स इनटू द आर्ट्रियम ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन। पॉइंट मेरे क्लियर? यस सर। कॉर्डेड टेंडन मतलब एक तरीके होंगे ना, एक ऐसे तरीके कैसे हैंगर टाइप है, कुछ भी टाइप का समझ लो, है ना, वो रोके हुए उसको, खेचा, खुल गए, और वापस जब बंद हो रहे थे तो इतना ऊपर नहीं जाने दिया, बिकॉज नीचे क्या लगा हुआ है, कॉर्डेड टेंडन है, वो रोक लेगा, अंदर नहीं आने देगा, ठीक है बेटा? यस। तो सबके समझ में आया? रुचि क्या क्या कह रही बेटा, सबके समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। बना लो, और नहीं बनाया तो एक बार देख लो, फिर मुझसे पूछो कुछ पॉइंट, कहीं दिक्कत हो कहीं पे भी, बाकी कर लो। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? चले तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बेटा, पहला लिखें आप कॉर्डेट्स, दूसरा
एनेलिड्स, तीसरा आर्थ्रोपोड, नन ऑफ दीज। चलिए फोन मिला, चलिए करिए। चलिए क्या आंसर है बच्चों? आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, चलिए फिर कल आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? Bye sir. Yes sir. Bye sir. Good night. Good night everyone. Take care. Bye bye. Good night sir. Thank you sir.